हेलो गाइस, कैसे हैं आप बच्चों? आप जानते हैं कि मैं कंटिन्यू बायोलॉजी का सब्जेक्ट लेकर के चल रहा हूँ, वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो अभी तक मैं 4 चैप्टर करा चुका हूँ बायोलॉजी में। मैंने न्यूट्रिशन करा दिया है, साथ ही साथ न्यूट्रिशन के बाद में मैंने न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, विटामिन सब हो चुके हैं। उसके बाद रक्त हुआ, रक्त के बाद ब्लड ग्रुप हमने करा, उसके बाद हमने हार्ट को पढ़ लिया है। अब मैं अगला चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। और ये जो चैप्टर नंबर 5 है जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा कि इसमें मैं चर्चा करूँगा ग्रंथि और हार्मोन में, अर्थात ग्लैंड और हार्मोन क्या होते हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर है बहुत ज़्यादा, और सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को इसी में आती है। और मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको, फिर से कह रहा हूं, याद कुछ नहीं करना है, केवल समझना है। तो अपना टाइम बेकार किए बिना शुरू करता हूं मैं। जो चैप्टर है आपका आज का ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। तो देखिए, सामान्य तौर पर ग्लैंड्स और हार्मोन, एक्चुअली ग्रंथि और हार्मोन में एक संबंध है, और वो संबंध ये है कि जो हार्मोनों का उत्सर्जन होता है वो ग्रंथियों के द्वारा ही होता है। तो हम साथ साथ में हमें ग्रंथि भी जानकारी लेंगे ग्रंथियों के बारे में, उसके साथ साथ ग्रंथियों के द्वारा कौन से हार्मोनों का उत्सर्जन किया जाता है वो भी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, पहली बात आती है कि जो ग्रंथि होती है वो क्या होती है, किस प्रकार की होती है। देखिए, अगर सामान्य तौर पर बात करूँ तो ग्रंथि जो है वो हमारे शरीर के ऐसे अंग होते हैं जो हार्मोन और एंजाइमों का उत्सर्जन करते हैं। लेकिन ये जो ग्रंथियाँ होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं, समझिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, वैसे ही समझिए। 2 प्रकार की होती हैं ग्रंथियाँ, एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होती है बहिःस्रावी ग्रंथि, अर्थात एंडोक्राइन ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड, दो होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि। सबसे पहले मैं आता हूँ बहिःस्रावी ग्रंथि पर कि एक्सोक्राइन ग्लैंड रियल में होती क्या है। देखिए, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है ना, वो इस प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं जो अपने द्वारा उत्सर्जित पदार्थ को, मतलब उन ग्रंथियों के द्वारा, वो ऐसी जो भी ग्रंथि होती हैं उन ग्रंथियों के द्वारा जो निकलने वाला पदार्थ होता है, चाहे वो हार्मोन हो या कुछ भी हो, वो पदार्थ किसी डक्ट के माध्यम से उस स्थान पर पहुंचता है जहां उसे काम करना होता है। मतलब इनके लिए किसकी जरूरत होती है, एक डक्ट की जरूरत होती है, एक नली की जरूरत होती है। तो बहिर्स्रावी ग्रंथि अपना जो भी द्रव्य पैदा करती है, उत्सर्जन करती है, सिक्रीशन करती है जिस चीज का, तो वो एक डक्ट के माध्यम से किसी खुले स्थान पर पहुंचता है। एग्जाम्पल के तौर पर बहिर्स्रावी ग्रंथि का, या मैं कहूं कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उसका एग्जाम्पल, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका, वो है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, ध्यान रखिएगा, लार ग्रंथि हमारे मुंह में होती हैं, हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, और जब हम खाना खाते हैं तो ऐसे में ये लार ग्रंथियाँ जो है वो सलाइवा निकालती हैं, लार निकालती हैं, और ये इस लार में जो है वो आपका लाइसोजाइम जैसे एंजाइम होते हैं, टाइलिन जैसे एंजाइम होता है, और ये क्या करता है आपका जो लाइसोजाइम होता है ये उसमें सूक्ष्म जीवों को मार देता है, जीवाणु वगैरह को नष्ट कर देता है, और साथ ही साथ टाइलिन जो है वो स्टार्च का पाचन भी करता है। तो ये जो लार निकलती है वो लार ग्रंथियों के द्वारा निकाली जाती है। लार में मैंने क्या कहा, एंजाइम है, ठीक है। तो ये लार ग्रंथि जो है वो एक तरीके की एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बहिर्स्रावी ग्रंथि है। ऐसे ही एक और है आपका जिसे कहते हैं आश्रु ग्रंथि, इसे आश्रु ग्रंथि कहा जाता है। ये जो आश्रु ग्रंथि होती है आपकी, ये होती है आंखों में, लैक्राइमल ग्लैंड कहते हैं इसे, लैक्राइमल ग्लैंड आंखों में होती है। ये जो आश्रु ग्रंथि होती है ये आंसू निकालती है, और इसमें भी लाइसोजाइम होता है। देखिए, आप हमारी आंखें खुले में रहती हैं, कोई भी खुली हवा में सूक्ष्म जीवाणु जाता है आंखों में, तो उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। आंख में गिरते आपने देखा होगा, छोटा सा कीट आंख में पड़ जाता है तो मर जाता है, क्योंकि आंखों में लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम उसको मार देता है। तो ये भी एक तरीके की बहिर्स्रावी ग्रंथि है। ऐसी कान में होती है, देखिए कान में आप देखते होंगे, कान से हम कंटिन्यू मैल निकालते हैं, रियल वो एयर वैक्स होता है, कान में एयर वैक्स होती है, और वो जो निकाली जाती है वो कान में पाई जाने वाली सेरुमिनस ग्लैंड के द्वारा निकाली जाती है। तो ऐसे में कान में भी एक ग्लैंड होती है जिसे सेरुमिनस ग्लैंड कहते हैं, और वो जो है वो कंटिन्यू ईयरवैक्स निकालती है। तो ये जितनी भी हैं ये सब ये कान में होती है आपकी सेरुमिनस ग्लैंड, सेरुमिनस ग्लैंड, ये सेरुमिनस ग्लैंड कान में होती है, आश्रुग्रंथि आंख में होती है, लार ग्रंथि मुंह में होती है। ये सब किसके एग्जांपल हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथि के एग्जांपल हैं, ये सब बहिर्स्रावी ग्रंथियां हैं।
देखिए ये जितने भी अपने एंजाइम या जो भी पदार्थ निकालती हैं, ये एक डक्ट के माध्यम से, मतलब एक छोटी सी नलिका के द्वारा से, ये जैसे हमारे आंखों में हम आंसुओं की बात करें तो आंसू जो आते हैं निकल करके, वे छोटी डक्ट के माध्यम से यहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये सब है बहिर्साबी ग्रंथियाँ। लेकिन रियल में जो हमें आज बात करनी है प्रमुख रूप से, वो आप बात करनी है एंडोक्राइन ग्लैंड पर। रियल में जिसे हम बात कह रहे हैं या ग्लैंड या हार्मोन बात कर रहे हैं, तो मुख्यतः वहाँ पर हमें बात करनी है अंतरेसाबी ग्रंथियों पर ही करनी है। तो एक तो हो गई ये बहिर्स्रावी ग्रंथि, जो शायद आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं अंतःस्रावी ग्रंथियों पर। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? देखिए, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां वो ग्रंथियां होती हैं जो अपने द्वारा निकाले जाने वाले हार्मोन को किसी डक्ट के माध्यम से नहीं निकालती, किसी वाहिका में नहीं छोड़ती, बल्कि वो तो उसे सीधा छोड़ करके रक्त में मिला देती है। वो हार्मोन रक्त में मिल जाता है आकर के, और जहां उस हार्मोन को काम करना होता है वहां पर वो हार्मोन काम करता है। तो इस प्रकार की जो ग्रंथियां होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। बात आती है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब फॉर एग्जाम्पल हम बात करें अंतःस्रावी ग्रंथियों की, मैं लिख दे रहा हूं नंबर एक सबसे पहले, जैसे पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि साथ साथ नोट कर लीजिएगा आप। जैसे पीयूष ग्रंथि ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है इसे। इसी प्रकार से एक होती है पेनियल ग्लैंड, पेनियल ग्लैंड, पेनियल ग्लैंड, पेनियल ग्रंथि। इसी प्रकार से थायराइड ग्लैंड, इसी प्रकार से नंबर चार पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। इसी प्रकार से एड्रिनल ग्लैंड, अभी एक एक करके सब पर हम बात करेंगे। पहले आप इनके जो जो हमें पढ़नी है अंतःस्रावी ग्रंथियों में, उनके आप एक एक करके नाम लिख लीजिए कि कौन कौन सी हमें पढ़नी है, ठीक है? तो पीयूष ग्रंथि हो गई, पेनियल ग्लैंड हो गई, थायराइड ग्लैंड हो गई, पैराथायराइड ग्लैंड हो गई, पैराथायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड हो गई। उसके बाद में यहां लिख दे रहा हूं मैं आपका सिक्स, नंबर सिक्स ऐसे ही होती है आपकी, इधर लिखता हूँ नंबर सिक्स टेस्टिस, टेस्टिस ग्लैंड। नंबर सेवन ओवरीज, ओवरीज, इसे हिंदी में कहते हैं टेस्टिस को वृषण, ओवरीज को कहा जाता है आपका अंडाशय, या इसे डिंब ग्रंथि भी कहते हैं, डिंब ग्रंथि, डिंब ग्रंथि, डिंब ग्रंथि कहते हैं इसको, डिंब ग्रंथि, डिंब ग्रंथि। इसे एक तो आप जानते हैं पैनक्रियाज, जिसे अग्नाशय कहा जाता है, अग्नाशय, अग्नाशय। देखिए ये प्रमुख ग्रंथियां हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में हमने बात करी पीयूष ग्रंथि की, पेनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस ग्लैंड जिन्हें वृषण कहा जाता है, ओवरीज की बात की जिन्हें डिंब ग्रंथि कहते हैं, और अग्नाशय की बात की। और बहिर्स्रावी ग्रंथि में अर्थात एक्सोक्राइन ग्लैंड में मैं बता चुका हूं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं उसमें बात करी जाती है आपकी हमारी आंखों में पाई जाने वाली लैक्रिमल ग्लैंड की, आंसू ग्रंथि की, कान में पाई जाने वाली शेरोमेनस ग्लैंड की, और उसी प्रकार से बात करी जाती है आपकी मुंह में पाई जाने वाली लार ग्रंथियों की। अब एक एक करके इन ग्रंथियों के बारे में हमें बात करनी है। देखिए ये जो ग्रंथि होती है मुख्यतः ये हार्मोनों का सिक्रीशन करती है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि हार्मोन क्या होते हैं, तो मैं कहूँगा हार्मोन जो है वो ऐसे
एक तरीके के जैव रसायन होते हैं जो हमारे शरीर में अनेक प्रकार की क्रियाओं को शुरू करवाते हैं, बहुत प्रकार की क्रियाएं शुरू कराते हैं, जैसे उपापचय हो गया, मेटाबॉलिक रेट हो गई, साथ ही साथ हमारे शरीर में जो ग्रोथ होती है, बहुत सारी चीज़ें, मानसिक विकास होता है, इन सबको भी नियंत्रित करने का कार्य जो है वो हार्मोन ही करते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में जो सबसे पहली ग्रंथि है उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि, इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि। देखिए, सबसे पहली बात, जो पीयूष ग्रंथि होती है, ये पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, ये मस्तिष्क में होती है। आप जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में एक प्रमुख भाग होता है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, शायद आपको पता हो, एक भाग होता है जिसे कहते हैं हाइपोथैलेमस, ये हमारे मस्तिष्क का ही भाग होता है हाइपोथैलेमस, ये सेरेब्रम का भाग होता है हाइपोथैलेमस, और इस हाइपोथैलेमस से ही ये ग्लैंड जुड़ी हुई होती है जिसे कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। देखिए, ये बहुत छोटी होती है, मतलब वजन तो मान के चलिए 1 से 1.5 ग्राम का ही होता है, और बहुत मटर के दाने के बराबर छोटी होती है ये ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। इतना छोटा होने के बावजूद भी इसके काम बहुत बड़े होते हैं, हमारे शरीर की सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है लगभग, जिसके कारण से इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, मतलब काफ़ी हमारे शरीर की जो ग्रंथियाँ होती हैं उन्हें उत्तेजित करने का काम यही करती है, उन्हें स्टिमुलेट करने का काम यही करती है पीयूष ग्रंथि, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। अभी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, ये ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि मानी जाती है। ये पीयूष ग्रंथि के सामान्यतः दो भाग होते हैं, होते तो तीन भाग हैं, एक होता है आपका अग्र भाग, और एक होता है मध्य भाग, और एक होता है पश्च भाग। लेकिन मध्य भाग जो है वो मनुष्यों में प्रभावी नहीं होता, अर्थात ये कोई हार्मोन नहीं निकालता। हमारे अंदर जो हार्मोन निकालते हैं वो दो ही निकालते हैं, अग्र भाग और पश्च भाग। सबसे प्रमुख है अग्रभाग जो निकालता है वो कुल मिलाकर के 7 हार्मोन निकालता है, 7 हार्मोन, और पश्च भाग वो निकालता है आपका 2 हार्मोन। कुल मिलाकर के पीयूष ग्रंथि के द्वारा लगभग जो हार्मोन निकाले जाते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। अब ये कौन कौन से हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि निकालती है उनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अग्रभाग के बारे में कि ये कौन कौन से 7 हार्मोन अग्र पीयूष ग्रंथि निकालती है। तो नंबर एक, सबसे पहले एक प्रमुख हार्मोन है जिसका नाम है सोमेटोथ्रोपिक हार्मोन, ठीक है, मैं साथ साथ हिंदी में भी लिखता हुआ चलता हूं, सोमेटोथ्रोपिक हार्मोन। देखिए, ये सबसे प्रमुख हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा निकाला जाता है। एक एक करके अभी इन पे बात करेंगे, पहले हम देख लेते हैं 7 हार्मोन कौन कौन से होते हैं। एक होता है सोमेटोथ्रोपिक हार्मोन, एक नंबर दूसरा जिसका नाम होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे कहा जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट तीसरा, एक होता है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए, ये नाम आपको याद करने चाहिए कि ये किस ग्रंथि के द्वारा निकाले जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है, और कम से कम आपको सबका पता होगा तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ये तो वो वाली ग्रंथि निकालती है, इस तरीके से। तो एक होता है सोमेटोथ्रोपिन, एक होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक नंबर चौथा वो होता है जिसे कहा जाता है ल्यूटेजिंग हार्मोन। एक होता है जिसे कहा जाता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। एक अगला होता है छठा हार्मोन, एक होता है एड्रिनल कॉर्टिकोथ्रोपिक हार्मोन। और एक लास्ट 7वां जो होता है
वो होता है जिसे कहते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो देखिए ये वो सात हार्मोन हैं जिनका सिक्रीशन पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग के द्वारा किया जाता है। अब एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जिसका नाम है सोमेटोथ्रोपिक हार्मोन, ठीक है, ये हार्मोन जो है वो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग के द्वारा निकाला जाता है। बात यह है कि ये क्या काम करता है, देखिए इसका काम होता है हमारे शरीर में शारीरिक विकास का। सोमेटोथ्रोपिन हार्मोन हमारे शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि के द्वारा निकाले जाने वाला ये सोमेटोथ्रोपिक हार्मोन जो है ये हमारे शरीर में जितना ज़्यादा अधिक निकलता है हमारे शरीर का विकास उतना ही ज़्यादा होता है। इसके कम निकलने के कारण से शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाता है, अच्छे से शरीर का विकास नहीं हो पाता। मैं आपसे बता दूं जिन लोगों में इस हार्मोन की अधिकता हो जाती है उनका शरीर बहुत विशालकाय हो जाता है, भीमकाय हो जाता है और मेनली एक तरीके से दानव के आकार का हो जाता है, वो लोग जाइंट्स जैसे दिखाई देते हैं। और मेनली इस जो बीमारी को कहा जाता है वो एक्रोमेगली कहा जाता है। एक्रोमेगली ये जो डिसीज है इसमें इंसान का शरीर भीमकाय दिखाई देता है, बहुत बड़ा दिखाई देता है, तो दानवाकार हो जाता है इसके अधिकता के कारण से। और यदि इस हार्मोन की शरीर में कमी हो जाए तो इसके कारण से इंसान बोना रह जाता है, अर्थात हाथों का, पैरों का और शारीरिक अंगों का विकास नहीं हो पाता है। दूसरा जो प्रमुख हार्मोन है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एक्चुअली थायराइड एक ग्लैंड होती है, ये थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे गले में पाई जाती है यहाँ पर। तो थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करने का काम जो करता है वो यही हार्मोन करता है। मतलब पीयूष ग्रंथि इस हार्मोन के द्वारा थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित करती है। अगर थायराइड ग्रंथि के द्वारा कोई हार्मोन सिक्रेशन करवाना है तो उसके लिए पीयूष ग्रंथि ये हार्मोन निकालती है, जिससे चलते थायराइड ग्रंथि स्टिमुलेट हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है और उसके बाद वो हार्मोन निकालती है। उसी प्रकार से होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, आप जानते हैं कि पुरुषों में ये जो वृषण होते हैं जिन्हें टेस्टिस कहा जाता है, वृषण शुक्राणुओं को पैदा करते हैं, मतलब शुक्राणुओं का जनन जो होता है वो टेस्टिस में होता है। और इसी प्रकार से महिलाओं के ओवरीज में, अंडाशय में एक तरीके से कहूँ एक्सेल पैदा होती है जिसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। तो पुरुषों में शुक्राणु और महिलाओं में अंडोत्सर्ग, या मैं कहूँ पुरुषों में स्पर्म सेल और महिलाओं में एक्सेल, ये जो बनती हैं ये इसी हार्मोन के कारण बनती हैं। पीयूष ग्रंथि जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालती है तो इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण से पुरुषों में टेस्टिस ग्लैंड एक्टिव हो जाती है और महिलाओं में ओवरीज ग्लैंड एक्टिव होती है, जिसके कारण से पुरुषों में स्पर्म सेल बनती है और महिलाओं में एक्सेल बनती है। इसी प्रकार से ल्यूटेजिंग हार्मोन, ल्यूटेजिंग हार्मोन भी इन्हीं दोनों ग्रंथियों से जुड़ा हुआ है, अर्थात टेस्टिस से और साथ ही साथ ओवरीज से। या आप जानते होंगे कि महिलाओं में जो एक सेक्सुअल हार्मोन होता है, ठीक है, वो होता है एस्ट्रोजन, और पुरुषों में ऐसे ही होता है टेस्टोस्टेरोन। तो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में एस्ट्रोजन के सिक्रीशन को बढ़ाने वाला जो हार्मोन होता है वो ये ल्यूटेजिंग हार्मोन होता है। तो ध्यान रखिएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेजिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा निकाले जाते हैं, लेकिन इनके कारण से रियल में जो ग्रंथि एक्टिव होती है वो कौन सी होती है, पुरुषों में टेस्टिस ग्लैंड और महिलाओं में ओवरी। अगली है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है, मेलेनोसाइट कोशिकाएं होती हैं, हमारी जो त्वचा होती है, त्वचा में ये बाहर बाह्य त्वचा होती है और बाह्य वाली त्वचा के अंदर एक त्वचा होती है जिसे कहा जाता है आपका डर्मिस। बाहर वाली होती है एपिडर्मिस और अंदर वाली होती है जिसे कहा जाता है डर्मिस। तो ये जो आंतरिक त्वचा होती है इसमें मेलेनोसाइट कोशिका पाई जाती है। होता क्या है, जब सूर्य का प्रकाश में जो भी अल्ट्रावायलेट रेंज होती हैं जब ये यहाँ पर पड़ती हैं मेलोसाइट कोशिका पर, तो ऐसे में ये मेलियोसाइट कोशिका एक पदार्थ निकालती हैं जिसे मिलेनिन कहते हैं, जिसे कहा जाता है मिलेनिन। मिलेनिन एक्चुअली मिलेनिन जो है वो एक चॉकलेटी सा पदार्थ है, मतलब ये हमारे रंग को, स्किन के रंग को डार्क कर देता है, क्योंकि ये नीचे वाली त्वचा में से निकल के ऊपरी भाग में जम जाता है और जिसके कारण से इंसान का रंग डार्क होता चला जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि धूप में ज़्यादा बैठने से इंसान काला होता है। एक्चुअली जब आप धूप में ज़्यादा बैठते हैं तो धूप में ज़्यादा बैठने से जो मेलियोसाइट कोशिकाएँ होती हैं जो हमारी त्वचा में पाई जाती हैं, ये कोशिकाएँ कंटिन्यू क्या निकालती हैं, आपका मिलेनिन निकालती हैं, और इस मिलेनिन के कारण से वो रंग डार्क होना
शुरू हो जाता है। इस मेलेनिन का फायदा भी होता है क्योंकि इस मेलेनिन के कारण से रेडिएशन अंदर नहीं पहुंच पाता, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, और जिससे चलते वो ये कैंसर जैसी समस्या भी नहीं होती, जो स्किन कैंसर होता है उसकी संभावना कम हो जाती है। तो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट को एक्टिव करने के लिए भी जो हार्मोन निकाला जाता है वो भी पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग के द्वारा ही निकाला जाता है। अगला है एड्रिनल कॉर्टिकोथ्रोपिक हार्मोन। एक्चुअली एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो होती है हमारी किडनी के ऊपर। आप जानते हैं मनुष्य के अंदर दो किडनी होती है, इन दो किडनी के ऊपर जो पाई जाती है वो पाई जाती है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड काफ़ी हार्मोन निकालती है। एड्रिनल ग्लैंड के भी दो भाग होते हैं, एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, एक होता है एड्रिनल मेडुला, अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो एड्रिनल ग्रंथि को भी एक्टिव करने का काम जो है वो ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला ये हार्मोन करता है, जिसका नाम होता है एड्रिनल कॉर्टिकोथ्रोपिक हार्मोन। उसके बाद लास्ट हार्मोन है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है? एक्चुअली प्रोलैक्टिन, लैक्टिन का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ न्यूट्रिशन वाले चैप, जहाँ भी लैक्टो शब्द लग जाए तो वहाँ मतलब दूध से ही होता है, लैक्टोमीटर जानते हैं आप। इसी प्रकार से महालैक्टो टोपी आती है, तो महालैक्टो मतलब वो दूध से बनी हुई टोपी, ऐसे ही लैक्टोज सबका संबंध दूध से ही होता है। प्रोलैक्टिन शब्द का भी संबंध जो है वो आपका मिल्क से ही है। एक्चुअली माता में बच्चे को जन्म देने के पश्चात जो मिल्क निर्माण की प्रोसेस होती है, जो मिल्क की प्रोसेस होती है, तो वो इसी हार्मोन के कारण से होती है, प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण से। तो बच्चों मैंने आपसे बताया पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं मुख्यतः, एक अग्रभाग और एक पश्च भाग, जो प्रभावी रहते हैं, मध्य भाग प्रभावी नहीं होता है। अग्रभाग के द्वारा सात हार्मोन निकाले जाते हैं। सोमेटोथ्रोपिन हार्मोन वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारी थायराइड ग्रंथि को एक्टिव करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पुरुषों में शुक्राणुओं के जनन को और महिलाओं में अंडोत्सर्ग की प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। ल्यूटियाइजिंग हार्मोन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ाता है। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारी त्वचा में पाई जाने वाली मेलेनोसाइट कोशिका को एक्टिव करता है, जिसके चलते मेलेनिन निकालता है और त्वचा का रंग डार्क हो जाता है, चॉकलेटी सा हो जाता है। एड्रिनल कॉर्टिकोथ्रोपिक हार्मोन के कारण से हमारी एड्रिनल ग्लैंड एक्टिव होती है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण से ही बच्चे को जन्म देने के पश्चात माता में मिल्क निर्माण की प्रोसेस पूरी होती है। तो ये सात हार्मोन है जो आपको ध्यान रखने हैं, सोमेटोथ्रोपिन हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टिकोथ्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटियाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन और मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब अग्रभाग से निकलने वाले इन सात हार्मोनों के पश्चात जो मुझे बात करनी है वो बात करनी है कि पीयूष ग्रंथि का पश्च भाग कौन कौन से दो हार्मोन निकालता है, ठीक है। बच्चों वीडियो को देखते रहिए, अगर वीडियो में आपको जानकारी अच्छी मिल रही है और आपको किताबों की अपेक्षा, किताबों को पढ़ने की अपेक्षा ज़्यादा तरीके से बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आ रही है, तो कम से कम मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। पश्च भाग दो हार्मोन निकालता है, साथ हम पढ़ चुके हैं दो हार्मोन, और ये दो हार्मोन हैं, एक हार्मोन जिसे कहा जाता है वैसोप्रेशन हार्मोन, वैसोप्रेशन हार्मोन, और दूसरा होता है जिसे कहा जाता है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो एक है वैसोप्रेशन, एक है ऑक्सीटोसिन, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्या है इनके बारे में समझिएगा। एक्चुअली जो ये वैसोप्रेशन हार्मोन है, ये वैसोप्रेशन हार्मोन हमारे शरीर में यूरिन सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, मतलब हमारे शरीर में कितना मूत्र विसर्जन हो रहा है, कितना यूरिन सिक्रीशन होता है, उसे करता है वैसोप्रेशन कंट्रोल। यानी वैसोप्रेशन की मात्रा घट जाने से हमारे शरीर में यूरिन सिक्रीशन बढ़ जाता है, मूत्र विसर्जन की दर बढ़ जाती है, और अगर वैसोप्रेशन की मात्रा बढ़ जाए तो ऐसे में यूरिन सिक्रीशन की दर घट जाती है। नॉर्मली आपने देखा होगा काफ़ी बार जो लोग ड्रिंक करते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि उनका यूरिन सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है, उनको यूरिन बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिसके कारण से बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, फिर पानी भी बहुत ज़्यादा उन लोगों को पीना पड़ता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न क्या है कि जब अल्कोहल वगैरह का सेवन किया जाता है, तो अल्कोहल का सेवन करने के कारण से हमारा पूरे का पूरा जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, वो स्लो काम करने लगता है, क्योंकि अल्कोहल वो पूरे के पूरे विद्युत संकेतों को धीमा कर देता है, जो हमारे शरीर में स्नायु पैदा होते हैं उनको धीमा कर देता है, जिसके चलते हार्मोन भी कम पैदा होते हैं, और ऐसे में वैसोप्रेशन का सिक्रीशन भी कम होता है। लेकिन मैंने अभी बताया कि वैसोप्रेशन में और यूरिन सिक्रीशन में उल्टा संबंध होता है,
वैसोप्रेशन की मात्रा घट जाने के कारण से शरीर में यूरिन सिक्रीशन बढ़ जाता है और यही कारण है जिससे कि दारू या शराब या बियर पीने के बाद में इंसान को मूत्र विसर्जन के लिए ज़्यादा जाना पड़ता है। इसी पर डिपेंड करता है, आपने सुना होगा काफ़ी बार कि भाई बियर पीने से पथरी चली जाती है या जो गुर्दे में पथरी होती है, किडनी में पथरी होती है, वो निकल जाती है। ऐसे वो इसलिए कहा जाता है कि आप बियर वगैरह पीने से वैसोप्रेशन की मात्रा घटती है जिससे यूरिन सिक्रीशन बढ़ जाता है और जितना यूरिन सिक्रीशन बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा किडनी को काम करना पड़ेगा। मे बी हो सकता है कि इस कंडीशन में जो कैल्शियम ऑक्सीलेट का बना हुआ कोई पथरी है तो वो पथरी टूट करके यूरिन मार्ग से बाहर निकल जाए। तो ये है वैसोप्रेशन हार्मोन। उसके बाद जो अगला हार्मोन है प्रमुख वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एक्चुअली ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये बहुत प्रमुख हार्मोन है। देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन को कई नामों से जाना जाता है, एक्चुअली इसे लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। क्या क्या काम होते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन का समझिएगा। एक्चुअली ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, मांसपेशियों को सिकोड़ देता है, मसल्स को सिकोड़ देता है, ये काम करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जब बच्चा कभी भी अपनी माँ को टच करता है तो माता की स्तन ग्रंथियों में बच्चे के लिए जो मिल्क उपलब्ध होता है वो इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण से ही होता है। यही कारण है कि जब बच्चा अपनी माता को छूता है तो उसके लिए वो मिल्क स्तन ग्रंथियों में आ जाता है और जिसके कारण से इसे टच हार्मोन या फिर लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ ऑक्सीटोसिन ही वो हार्मोन है जिसके कारण से जब माता के गर्भ में बच्चे को 9 महीने हो जाते हैं तो इसी हार्मोन के निकलने के कारण से माता का गर्भ संकुचित होना शुरू हो जाता है जिसके चलते प्रसव पीड़ा शुरू होती है, लेवर पेन शुरू होता है और लेवर पेन के कारण से दर्द होता है और उसके बाद में फिर रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है, उसके बारे में भी आगे चर्चा करूंगा मैं, और उसके चलते पेल्विस का आकार बढ़ता है और फिर आसानी से बच्चे का जन्म हो जाता है। तो जो प्रसव पीड़ा होती है वो प्रसव पीड़ा का रीजन भी ये होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जो लेबर पेन होता है बच्चे के जन्म से पहले जो माता के गर्भाशय में दर्द होता है उसका रीजन भी ये होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, लेकिन ये ऑक्सीटोसिन ही वो हार्मोन है जिसका प्रयोग व्यावसायिक रूप से गलत तरीके से काफी बार किया जाता है। जो ग्वाले होते हैं, ग्वाले गाय भैंसों से ज्यादा दूध प्राप्त करने के लिए उनमें जो इंजेक्शन लगाते हैं वो भी ऑक्सीटोसिन का ही लगाते हैं। इसी प्रकार से जो सब्जियां पैदा करते हैं, सब्जी पैदा करने वाले लोग भी जो हैं वो अनेक प्रकार की सब्जियों में इसी का इंजेक्शन लगाते हैं, कहते हैं कि इसका सब्जियों पर अधिक प्रभाव होता है जिसके कारण से सब्जियां अनियंत्रित रूप से अपना आकार को बढ़ा लेती हैं। तो व्यावसायिक रूप से भी इसका प्रयोग करा जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। तो ये दो प्रमुख हार्मोन है, वैसोप्रेशन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कुल मिला के पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले मैं 9 के 9 हार्मोन की आपसे चर्चा कर चुका हूँ। 7 हार्मोन अग्रभाग से निकलते हैं और 2 हार्मोन पश्च भाग से निकलते हैं और ये 9 के 9 हार्मोन आपको याद होने चाहिए। एक बार अगर हम रिपीट करें तो सबसे पहला सोमैटोथ्रोपिन हार्मोन, दूसरा था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक था एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटियजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और बाकी के 2 वैसोप्रेशन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो हमारी चर्चा पीयूष ग्रंथि पे हो चुकी है, अब मैं बात करूंगा इससे अगली ग्रंथि जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, तो हम बात कर रहे थे एंडोक्राइन ग्लैंड की और एंडोक्राइन ग्लैंड में जो सबसे प्रमुख दूसरे नंबर की ग्लैंड है और वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि, देखिए जो थायराइड ग्रंथि पाई जाती है वो हमारे गले में होती है, जो हमारा गला होता है गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। यहाँ गले में उपस्थित होती है थायराइड ग्लैंड। इसका आकार जो होता है वो आता है जो अंग्रेजी का एस लेटर होता है उसके समान इसका आकार होता है थायराइड ग्रंथि का। देखिए थायराइड ग्रंथि जो होती है वो काफ़ी सारे हार्मोन पैदा करती है। मेनली थायराइड ग्लैंड जो प्रमुख रूप से हार्मोन पैदा करती है उस हार्मोन का नाम होता है जिसे कहा जाता है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। देखिए थायरोक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि इसका निर्माण करती है, मुख्यतः थायराइड ग्रंथि इसका निर्माण 2 चीजों के कारण से करती है, एक तो आयोडीन, दूसरा एक थायरोसिन नामक अमीनो एसिड होता है। थायरोसिन अमीनो एसिड प्लस आयोडीन
की उपस्थिति में थायराइड ग्रंथि इस थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। इस हार्मोन को T4 कहा जाता है। मेनली थायराइड ग्रंथि T3 T4 नाम के हार्मोन निकालती है, जैसे टेट्राइडोथायरोन कहते हैं इसे, T3 को ट्राइआइडोथायरोन कहते हैं। फिलहाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है थायराइड ग्रंथि के द्वारा निकलने वाला हार्मोन वो है थायरोक्सिन हार्मोन। और मैंने बताया इसका निर्माण होता है आयोडीन और थायरोसिन की उपस्थिति में। थायरोसिन एक अमीनो एसिड है। अब होता क्या है, होता ये है कि ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये हमारे शरीर में बहुत सारे काम करता है, एक काम नहीं बहुत सारे काम करता है। जैसे हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक रेट है, उपापचय दर को भी नियंत्रित करने का काम यही करता है। मेटाबॉलिक का मतलब मैंने आपको बताया था, हम जो भोजन खाते हैं वो पाचित होने के बाद में किस प्रकार से ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर के हमारी बॉडी में संचित होता है। तो ये सब जो पूरी सिस्टम है भोजन के बाद में ऊर्जा तक मिलने तक का पूरा सिस्टम, ये मेटाबॉलिक कहलाता है। तो मेटाबॉलिक रेट को, उपापचय दर को नियंत्रित करने का काम भी ये क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन ही करता है। इसके अलावा शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास पर भी थायरोक्सिन हार्मोन नियंत्रण रखता है। मैं आपसे बता दूं, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण से काफी बार ऐसा भी देखा जाता है कि इसकी कमी के कारण से बच्चे जो है वो आपके मंद बुद्धि भी रह जाते हैं। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि थायराइड ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है सभी ग्रंथियों में जो हमारे शरीर के ताप का नियंत्रण करती है। मतलब थायराइड ग्रंथि के द्वारा ताप का नियंत्रण भी किया जाता है। देखिए, अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि हमारे शरीर, हमारे मस्तिष्क के कौन से अंग के द्वारा ताप का नियंत्रण होता है, तो अब इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। जो दिमाग में होता है हाइपोथैलेमस, वो मस्तिष्क का वह भाग ताप का नियंत्रण करता है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है शरीर का कौन सा अंग ताप का नियंत्रण करता है, अगर अंग की बात हो तो आंसर होगा त्वचा। और अगर पूछा जाए कौन सी ग्रंथि ताप को नियंत्रित करने का काम करती है, तो ऐसे में थायराइड ग्रंथि ऐसा करती है। ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, इस थायरोक्सिन हार्मोन के कारण से कमी के कारण से एक रोग होता है जिसे नॉर्मली हम घेंगा कहते हैं। और ये कैसे होता है इसको समझिएगा। ऐसे होता क्या है, जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो आयोडीन की अनुपस्थिति में थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन जैसे हार्मोन नहीं बना पाती। और जब थायरोक्सिन जैसे हार्मोन नहीं बनते तो इसके कारण से हमारे शरीर में एक असंतुलन पैदा होने लगता है, अनेक प्रकार की बीमारियां समस्या सामने आने लगती है। और कंटिन्यू पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकाल करके ये प्रेशर बनाती है थायराइड ग्रंथि पर कि उसके द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन बनाया जाए। लेकिन चूंकि आयोडीन नहीं है तो ऐसे में थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनाएगी। तो अब स्थिति क्या आ जाती है, थायराइड ग्रंथि अपना ही आकार बढ़ाने शुरू कर देती है। तो आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि अपना ही आकार बढ़ाना शुरू कर देती है। और जब इसका आकार बढ़ना शुरू हो जाता है तो काफ़ी बार ये दिखनी भी शुरू हो जाती है। और इस प्रकार की बीमारी को जो कहा जाता है वो कहा जाता है घेंगा रोग, घेंगा रोग कहते हैं। बाकी मैं जो जितनी भी डिसीज़ है वो सब एक साथ पढ़ाऊंगा, मैं वहाँ उन सब चीज़ों की चर्चा करूंगा, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट है मैं चर्चा करते हुए आपसे चल रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, जो ये थायराइड ग्रंथि है, ये थायराइड ग्रंथि के द्वारा निकाले जाने वाले थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण से घेंगा हो जाता है, गोइटर हो जाता है यहाँ पर गले में। और काफ़ी बार ये इतना बढ़ जाता है कि इसकी चिकित्सा करनी पड़ती है, शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है, उसके बाद में फिर इसे नियंत्रित किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और आयोडीन के बारे में आपको बता भी चुका हूँ, ठीक है, जहाँ मैंने मिनरल्स वाले चैप्टर में आयोडीन की चर्चा करी थी कि पहाड़ों पर तो मेनली जो पहाड़ी उत्पाद होते हैं उनमें आयोडीन की कमी देखी ही जाती है। जो समुद्री उत्पाद होते हैं उनमें आयोडीन बड़ी मात्रा में मिलता है, क्योंकि आयोडीन को काफ़ी ऐसे शैवाल होते हैं जो आयोडीन को संचित करते हैं, और समुद्रों में ऐसे शैवाल काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और थायराइड ग्रंथि हार्मोन निकालती है जिसका नाम होता है कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन हार्मोन। ये कैल्सीटोनिन हार्मोन भी जो है वो थायराइड ग्रंथि निकालती है। और ये वो हार्मोन है जो हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा को घटाने का काम करता है, कैल्शियम व फास्फेट की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा को नियंत्रित करने का काम जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, कैल्सीटोनिन हार्मोन के द्वारा। और ये कैल्सीटोनिन हार्मोन भी किसके द्वारा निकाला जाता है, आपका इस थायराइड ग्रंथि के द्वारा ही निकाला जाता है। यहीं पर मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ, इसी ग्रंथि के पास एक ग्रंथि और होती है जिसका नाम होता है पैराथायराइड ग्लैंड, जिसका नाम होता है पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। और ये जो पैराथायराइड ग्रंथि है, ये पैराथायराइड ग्रंथि भी एक हार्मोन निकालती है जिसे पैराथार्मोन कहते हैं, जिसे पैराथार्मोन कहते हैं।
ये जो पैराथार्मोन है, ये पैराथार्मोन सेम कैल्सिटोनिन के विपरीत काम करता है। अर्थात कैल्सिटोनिन हार्मोन कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को शरीर में घटाने का काम करता है, लेकिन जो पैराथार्मोन है वो शरीर में इसकी मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। और मैं आपसे बता दूं, अगर शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा बढ़ जाए, अर्थात पैराथार्मोन की अगर अधिकता हो जाए, तो इसके चलते एक रोग सामने आता है, कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा के बढ़ने के कारण से, या पैराथार्मोन के बढ़ने के कारण से, और इसको कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस ये एक बीमारी है जो कैल्शियम फॉस्फेट की अधिकता के कारण से होती है। देख, कमी के कारण से भी हड्डियाँ कमजोर होती हैं, क्योंकि हड्डियाँ बनी होती है कैल्शियम फॉस्फेट की, लेकिन कैल्शियम फॉस्फेट की अधिकता के कारण से एक बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस। और ये जब ही होती है जब कैल्शियम और फॉस्फेट की अधिकता हो जाए, और मैंने बताया इसकी अधिकता किसके कारण से हो सकती है, पैराथार्मोन के कारण से हो सकती है, क्योंकि पैराथार्मोन हमारे शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को बढ़ाता है, जबकि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला कैल्सिटोनिन हार्मोन कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को शरीर में कम करने का प्रयास करता है। तो अभी तक मैं आपको तीन ग्रंथि पढ़ा चुका हूं, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्लैंड। तो बच्चों, मैं पीयूष ग्रंथि पे हमारी बात हो चुकी है, साथ ही साथ हमारी थायराइड ग्रंथि पे भी बात हो चुकी है, और थायराइड के बाद एक हमने देखी है पैराथायराइड ग्लैंड। अच्छा, यहां पर एक चीज और मैं साथ साथ डिस्कस कर ही देता हूं, थायराइड ग्रंथि के कारण होने वाले रोगों के बारे में। तो मेनली आपसे मैंने अभी चर्चा करी कि जो थायराइड ग्रंथि है ये एक हार्मोन निकालती है जिसे नॉर्मली क्या कहा जाता है, थायरॉक्सिन कहा जाता है। और एक और मैंने अभी बताया था कैल्सिटोनिन भी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ थायरॉक्सिन। ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, इसके कारण इसकी शरीर में काफ़ी बार कमी भी हो जाती है और काफ़ी बार अधिकता भी हो जाती है। मतलब काफ़ी बार इसकी कमी भी होती है, काफ़ी बार अधिकता भी। तो काफ़ी बार तो इसका कम स्राव होता है और काफ़ी बार अधिक स्राव होता है। अब बात कर ले रहे हैं कि कम और अधिक श्राप के कारण से कौन कौन से रोग होते हैं। सबसे पहले बात करें कम श्राप के कारण से, अर्थात जब सिक्रीशन बहुत कम होता है, कम श्रावित होता है ये थायरॉक्सिन हार्मोन, तब ऐसे में कौन कौन से रोग होते हैं। तो इसमें सबसे पहला रोग होता है जिसे हम कहते हैं क्रिटिनिज्म। इसे कहा जाता है आपका क्रिटिनिज्म या क्रेटिनिज्म, ठीक है। तो ये रोग क्या होता है, देखिए क्रेटिनिज्म जो रोग होता है आपका, ये रोग होता है थायरॉक्सिन हार्मोन के बहुत कम स्राव के कारण से, मतलब जब थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकलने लगता है। होता क्या है, मैंने आपसे बताया था कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये हमारी बॉडी में अनेक मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ ये हमारे शारीरिक और मानसिक जो विकास होता है वो भी इस पर निर्भर करता है। तो होता क्या है कि इस थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण से शारीरिक विकास कम हो पाता है, और शारीरिक विकास कम होने के कारण से इंसान की हाइट कम रह जाती है, अर्थात शरीर छोटा रह जाता है, अर्थात इंसान बोना रह जाता है। तो मैंने आपसे पहले बताया था कि एक तो सोमेटोथ्रोपिन हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि निकालती है उसके कारण से भी शरीर छोटा रह जाता है, मतलब कि बोने रह जाते हैं लोग, और एक आपका ये थायराइड ग्रंथि के द्वारा निकलने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन भी अगर कम निकलता है तो ऐसे में भी क्रिटिनिज्म रोग हो जाता है, और जिसमें इंसान कैसे रह जाते हैं, बोने रह जाते हैं, और साथ ही साथ मंद बुद्धि भी होता है इंसान। इसके बाद एक दूसरा रोग और है जिसे कहा जाता है आपका मिक्सोडीमा रोग, लिखते रहिएगा साथ साथ मिक्सोडीमा रोग, ठीक है। ये मिक्सोडीमा रोग है क्या, इसको समझिएगा। मिक्सोडीमा देखिए, ये भी तब होता है जब थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकलता है, मेनली थायरॉक्सिन हार्मोन के कम स्राव के कारण से, अल्प स्राव के कारण से काफ़ी बार ऐसा होने लगता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी कम हो जाता है। मतलब मैं एक तरीके से कह दूँ जो ब्लड प्रेशर है, रक्त दाब है, वो भी कम हो जाता है, साथ ही साथ जो हार्ट बीट है वो भी कम हो जाती है, अर्थात जो हृदय गति है वो भी कम होने लगती है, और इसके साथ साथ जो हमारे कहीं कहीं के ऊतक होते हैं उनमें आकर के द्रव इकट्ठा हो जाता है, जैसे आँख की पुतलियाँ हुई, ठीक है, या होठ हुए, तो यहाँ पर आके जल संचित होने लगता है, जिससे काफ़ी होठ मोटे से दिखाई देने लगते हैं, आँखें भी काफ़ी मोटी से दिखाई देने लगती हैं, पूरा भाग सूजा सूजा दिखाई देने लगता है। तो ये जो रोग होता है, मतलब जिसमें रक्तदाब भी कम, हृदय की गति भी कम, और इंसान थका थका सा रहता है, और पूरे होठ फूल जाते हैं, ये फूल जाती है, तो इस रोग को कहा जाता है आपका मिक्सोडीमा रोग। ये ध्यान रखना, और ये भी किसके कारण से होता है, आपका थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण से होता है, जब थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकल
निकलता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण से मुख्यतः दो रोग, एक मैंने बताया नंबर एक क्रिटिनिज्म रोग और नंबर दो मिक्सिडीमा रोग, ठीक है। एक रोग और है जो इसकी कमी के कारण से होता है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, उसका नाम होता है आपका हाशिमोटो रोग, हाशिमोटो, ठीक है, इसे कहा जाता है हाशिमोटो रोग। इस हाशिमोटो रोग में क्या होता है इंपॉर्टेंट, ये सब पूछा जाता है, ये सब पूछा जाता है कि ये क्रिटिनिज्म रोग कैसे होता है या मिक्सिडीमा रोग कैसे होता है या हाशिमोटो रोग कैसे होता है, किसी कमी से होता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण से होता है। हाशिमोटो रोग में क्या होता है, देखिए होता क्या है कि जब थायरोक्सिन हार्मोन बहुत कम निकलता है हमारे शरीर में, जब थायरोक्सिन हार्मोन लगभग बिल्कुल ही निकलना बंद हो जाता है, तो ऐसे में डॉक्टर क्या करते हैं, अनेक मेडिसिन देते हैं जिससे कि थायरोक्सिन निकलना शुरू हो जाए। अरे जो मेडिसिन दी जाती हैं ये एक तरीके से हमारे शरीर में प्रतिजन का काम करती, प्रतिजन कह रहा हूँ मैं, एक तरीके से ये एंटीजन का काम करती हैं, ठीक है, तो ये एंटीजन का काम करती है हमारे शरीर में, और जब ये एंटीजन का काम करने लगती है तो ऐसे में हमारा शरीर इनके विरोध में एक तरीके से एंटीबॉडी बना लेता है। मतलब आप ये समझिएगा कि जो दवाइयाँ दी जाती हैं ये हमारी बॉडी में विष का काम करने लगती हैं, और इस विष के विपरीत या पॉइजन के विपरीत हमारा शरीर एक एंटी पॉइजन बना लेता है, और ये जो एंटी पॉइजन होता है ये प्रति विष होता है, ये इस थायराइड ग्लैंड को क्या कर देता है, आपका नष्ट कर देता है, और इसे ही थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या कहा जाता है। मतलब कि इस रोग में थायराइड ग्रंथि पूर्णतः निष्क्रिय हो जाती है और थायराइड ग्रंथि खत्म हो जाती है। उसका एक रीज़न यही है सबसे बड़ा कि जो दवाइयाँ दी जाती हैं उन दवाइयों के विरोध में हमारी बॉडी एक तरीके से एक एंटी पॉइजन बना लेती है, एक प्रति विष बना लेती है, एंटीबॉडी बना लेती है, और जिसका इफेक्ट सीधा पड़ता है थायराइड ग्लैंड पर, और इसके चलते थायराइड ग्लैंड कोलैप्स कर जाती है। ये रोग होता है आपका हाशिमोटो रोग। तो तीन रोग मैंने आपको बता दिए, एक आपका ये क्रिटिनिज्म रोग, एक मिक्सिडीमा रोग, और एक हो गया हाशिमोटो रोग। अब है अधिक साप के कारण से भी कोई रोग होता है क्या, मतलब अगर ज्यादा सेक्रेशन होने लगे थायरोक्सिन हार्मोन का तो क्या इसके कोई फायदे होंगे, तो फायदा नहीं एक नुकसान है, और वो क्या है ध्यान रखिएगा, इसके कारण से जो रोग होता है वो होता है आपका एक्सोप्लेथमिक, ठीक है। एक्सोपैथेलेमिक, ध्यान रखिएगा कि एक्सोपैथेलेमिक रोग जो है नॉर्मली इसमें होता क्या है, ये एक्सोपैथेलेमिक रोग जो होता है, मैं ऐसे भी लिख देता हूं हिंदी में, एक्सोपैथेलेमिक, ये एक्सोपैथेलेमिक रोग जो है इसमें थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता के कारण से जो हमारी आंखें होती हैं, आंखों की जो झिल्ली होती है उसके अंदर जो है वो म्यूकस का जमाव होने लगता है, सलेस्मा का जमाव होने लगता है, म्यूकस का जमाव होने लगता है, और जिसके कारण से दोनों आंखें बड़ी होने लगती हैं। मतलब मैं एक तरीके से कह दूँ इसमें स्थिति क्या आ जाती है, आँख का आकार बढ़ने लगता है, आकार बढ़ने लगता है, लगता है, देखिए इसे ही जो है वो ग्रेव डिसीज भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा अगर पूछा जाए एग्जाम में ग्रेव डिसीज क्या होती है, तो एक्सोप्लेथमिक होता है आपका। इस एक्सोप्लेथमिक में क्या होता है, आंख का आकार बढ़ने लगता है, और ये थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता के कारण से होता है, ये वाली बात जो है वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये थायराइड ग्रंथि के कारण से कुछ होने वाले रोग है। तो अभी तक हमने पीयूष ग्रंथि की बात करी, थायराइड ग्लैंड की बात करी, और साथ साथ पैराथायराइड ग्लैंड की बात करी। जितने हार्मोन हैं आप इन हार्मोनों को जो है वो ढंग से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से काफ़ी हद तक क्वेश्चन आते हैं, और किसी भी एग्जाम में हार्मोन या ग्लैंड से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है यहाँ से बाहर जाने वाला वो नहीं है। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ आगे, मुझे लगता है कि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, और इसी के कारण से मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को मैं दो पार्ट में बना दूँ, ठीक है, जिससे कि आपको देखने में भी आसानी हो। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो का जो अगले ग्लैंड्स हैं वो मैं आपको अगले पार्ट में डाल दूँ, तो मैं यहाँ से जो है वो आपकी नई वीडियो बना रहा हूँ, तो इसका दूसरा पार्ट बना रहा हूँ, जो इससे अगली मैं ग्लैंड की बात करूँगा आपसे। तो अभी हमने केवल दो तीन ग्लैंड की बात करी है, अभी बाकी ग्लैंड बची हुई हैं, तो उनको मैं अगली वीडियो में देता हूँ आपको, ठीक है, ओके, धन्यवाद।